महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब इसे लेकर एनसीपी नेता और मुख्यमंत्री अजीत पवार ने माफी मांगी है, तो एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार ने इसे लेकर तंज कसा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर मैं माफी मांगता हूँ, शिवाजी हमारे भगवान हैं। अजीत पवार ने कहा कि शिवाजी की मूर्ति का गिरना हम सभी के लिए झटका है, जिसने भी ये किया उन्होंने क्या किया इसकी जांच होनी चाहिए। इस बारे में मैं राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कहता हूँ, मैं इसके लिए महाराष्ट्र के 3 करोड़ लोगों से माफी मांगता हूँ। अजीत पवार ने कहा कि युग पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज हम सभी के भगवान हैं। अजीत पवार ने कहा कि 1 साल के अंदर उन देवताओं की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो जाएगी या गिर जाएगी। इस मामले में जो भी दोषी हैं, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो या निचले अधिकारी, ठेकेदार हो, उस ठेकेदार को काली सूची में डाला जाना चाहिए। बता दें कि राजकोट किला सिंधु दुर्ग के मालवन में समुद्र तट पर स्थित है। इस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य पूर्ण लंबाई वाली मूर्ति स्थापित की गई थी। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था, लेकिन ये प्रतिमा महज 8 महीने में ही ढह गई। इस मूर्ति पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन फिर भी ये प्रतिमा महज 8 महीनों में ही ढह गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र और देश के लिए बहुत योगदान दिया है। शिवाजी का इतिहास आज भी सभी को दिशा देता है। शिवाजी देश के आराध्य देव हैं, लेकिन महज 8 महीने में इन भगवान की प्राकृतिक प्रतिमा के ढह जाने से शिव प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस घटना को लेकर राज्य कैबिनेट के कई मंत्री द्वारा अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनके इस बयान से केंद्र में बीजेपी नेतृत्व भी नाराज है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंच पर माफी मांगी है। एनसीपी के नेता शरद पवार ने बीजेपी और राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अचानक मोदी साहब का ख्याल आया और बना दी गई संसद। उन्होंने संसद के उद्घाटन समारोह में विपक्षी दलों के सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया। संसद का उद्घाटन उन लोगों ने किया जिनका संसद से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने संसद का उद्घाटन किया, लेकिन वहाँ कुछ कमियां नजर आई। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, मंदिर में पानी गिरना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाई गई है। शिवाजी महाराज सबको साथ लेकर चलने वाले राजा थे। शिवाजी महाराज ने भी अल्पसंख्यकों को उनका हिस्सा दिया था। हाल ही में उनकी प्रतिमा के संदर्भ में घटना घटी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। 8 महीने पहले प्रतिमा का उद्घाटन किया गया और अब प्रतिमा ढह गई है। शरद पवार ने कहा कि ये 8 महीने में हुआ है। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में सत्ता है, मुख्यमंत्री हो या उनके सहयोगी, उनका कहना है कि उस स्थान पर हवा इतनी तेज थी कि मूर्ति ढह गई। अब गेटवे ऑफ इंडिया पर शिवाजी महाराज की मूर्ति है। ये मूर्ति 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन ये मूर्ति वैसी ही है। मुझे नहीं पता हम सिर्फ सिंधु दुर्ग में ही आती है या नहीं। शरद पवार ने पूछा कि गेटवे ऑफ इंडिया पर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ।